आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टेक्निक से टिक्का मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैक्रोनी को हमने बॉईल कर लेना है 80 to 90%। इसके बाद हम फ्राई पैन में ऑयल ऐड करेंगे, चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से सोते करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो। गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, उसे अच्छे से मिक्स करना है। टिक्का मैक्रोनी का मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला ऐड करना है। इसे अच्छे से क्यूब्स में मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, हमें कढ़ाई में ऑयल ऐड करना है हसबे ज़रूरत। इसके बाद जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हों वो आप इसमें ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करना है। इसके बाद सॉसेस ऐड करेंगे इसमें, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, वेनेगर इसमें ऐड करना है। 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला अगेन ऐड करेंगे क्योंकि अब हम मैक्रोनी इसमें ऐड करने वाले हैं, ताकि टिक्का जो मैक्रोनी है इसमें इसका टेस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। 1/2 कप टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। चिकन टिक्का क्यूब्स जो हमने रेडी करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड करेंगे और इसे 2 to 3 मिनट्स स्लो फ्लेम पर पकाएंगे।